सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता करके बताया कि एचएनसी कंपनी के डायरेक्टर एवं मैनेजर को कोतवाली पुलिस ने फरियाद दिलीप शाह के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फरियाद दिलीप शाह पिता तिलक प्रसाद शाह निवासी रजमिलान की शिकायत पर एचएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों एवं प्रबंधकों द्वारा वर्ष 2010 से वर्ष 2016 के बीच कंपनी का ऑफिस कॉलेज चौराहा बिलोची वार्डन में संचालित किया था। दिलीप शाह ने आवेदन दिया था कि उनकी परिपक्वता राशि पूर्ण हो गई थी, इसके बाद भी उनका पैसा वापस नहीं किया गया व कंपनी अपना ऑफिस बंद कर भाग गई थी। फरियादी दिलीप शाह की रिपोर्ट पर थाना वार्डन में अन्य धारा सहित प्रकरण दर्ज कर आरोपीगण रान मरीश साकेत एवं पूजनलाल साकेत सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर संज्ञान में लिया गया। कंपनी ने सिंगरौली के अलावा रीवा एवं सीधी में भी अपना ऑफिस खोलकर लोगों से काफी पैसा जमा कराया है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इन आरोपियों के पास से दो गाड़ियां व इस पैसे से सीधी जिले में 40 एकड़ से ज्यादा जमीन की खरीदी के प्रमाण भी मिले हैं। उन संपत्तियों को बेचकर जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है उनको यह पैसा दिलवाया जाए। जिले के लोग ऐसे चिटफंड कंपनी के लालच में न आए, ऐसे लोगों से सावधान रहें। जहां भी ऐसी शिकायत मिलती है पुलिस को तुरंत सूचित करें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन आरोपियों को विभिन्न जगहों से कोतवाली पुलिस द्वारा छापेमारी कर कंपनी के डायरेक्टर पूजन लाल साकेत व राम नरेश को गिरफ्तार किया है। सर क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? एक एचएनसी नाम की चिटफंड कंपनी है, यहाँ वर्ष 2011-12 के बाद ये संचालित थी और इस कंपनी ने लोगों को प्रलोभन दे करके कि हम 6 वर्ष और 3 माह में आपका जो भी निवेश की राशि है उसको दोगुना कर देंगे। बड़ी संख्या में लोगों से राशि निवेशित कराई थी। ऐसे 30 फरियादियों की शिकायत पुलिस में हुई थी और कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर एक चिटफंड कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था मैडन थाने, और वो प्रकरण विवेचना में था। इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो रीवा के रहने वाले हैं। मैडन की पुलिस लगातार एफआईआर करने के बाद से आरोपियों की तलाश कर रही थी और इसी तारतम्य में दो लोगों को, एक पूजन साह पूजन लाल साकेत और एक नाम राम नरेश साकेत, दो लोग हैं ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इनको पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इनको अरेस्ट किया गया और इनके कब्जे से 2 4-व्हीलर गाड़ियां और कार्यालय से कंप्यूटर्स और अन्य दस्तावेज और फर्नीचर्स वगैरह बरामद किया है। और एक 46 एकड़ भूमि सीधी जिले में रामपुर नैकिन है वहाँ पर लोकेट हुई है। ये सारी संपत्तियाँ हम लोग जो है कुर्क कराने की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके उपरांत जो है माननीय न्यायालय के माध्यम से अंतिम कार्रवाई करा करके इसकी नीलामी की जाएगी और जो भी फरियादी हैं इसमें उनकी न्यायालय के आदेश के उपरांत संपत्ति जो है, जो भी निवेश की राशि है उसको वापस कर दी जाएगी। कंपनियां यहां पर ठगी करती हैं और आपके कार्यकाल में ही करीब 5 से 6 FIR होती हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप इस कार्रवाई को? देखिए, पिछले कुछ समय से जब से जो चिटफंड कंपनियां हैं इनके विरुद्ध अभियान चला है उसका जो फायदा है वो जनता को मिला है। बहुत सारी जो इस तरह की कंपनियां रही हैं, मेरे कम से कम मेरे संज्ञान में जो है सहारा जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी उसने अकेले ने करीब 40 करोड़ राशि का निवेश जो था वो लोगों को वापस कराया है। अन्य जो कंपनियां हैं जो हमारे संज्ञान में आ रही हैं, हमने कम से कम 4 FIR यहाँ पे, ये 5वीं FIR दर्ज की है पिछले 4 महीने में, और बड़ी संख्या में हमने इनके डायरेक्टर्स हैं और जो एजेंट्स हैं उनको अरेस्ट किया है, इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने अटैच कराया है, कुर्क कराया है और हम लोग अंतिम कार्रवाई के लिए प्रयासरत हैं। तो लगातार हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की और हम अपनी जिस क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं, यदि इस तरह की कोई कंपनी आपके पास आती है और निवेश के लिए लुभाती है तो तुरंत पुलिस को खबर करें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करें और बाकी जो शिकायतें हैं उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई करें।